फसलों की बोवनी करने के लिए किसान लगातार खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। खाद समय पर उपलब्ध न होने के कारण बोवनी में भी लेट लतीफी हो रही है। खाद न मिलने के कारण समय पर बोवनी अगर न हो सके तो फसलों को भी आगे चलकर नुकसान हो सकता है। ज्ञात हो कि पिछली फसलों के खराब हो जाने के कारण किसान वैसे ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और खाद की किल्लत के कारण आगामी फसलों में भी अभी से हताशा ही नजर आ रही है। पथरिया कृषि उपज मंडी में स्थित खाद गोदाम में सुबह 7 बजे से सैकड़ों किसान कतारों में खड़े होकर खाद मिलने का इंतजार करते मिले। जहां धूप में सभी किसान खड़े हुए थे और खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। किसान खाद की कमी से लगातार जूझ रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला हुआ, क्या हुआ? ये है, खाद वितरण की व्यवस्था तो सरकार प्रयासरत है कि खाद मिल जाए, लेकिन वितरण में यहाँ दिक्कत ही है। पूरे ब्लॉक का जो खाद है किसान भाई यहाँ लेने आते हैं। अगर ये काउंटरों को डिवाइड कर दें, सेवा सहकारी समितियों को अगर ये नगद में खाद देने लगें, तो जो सेवा सहकारी के जो सोसाइटी के किसान हैं, अगर वो डिफाल्टर भी तो केस में कहाँ ले लेगा, गांव में या तो किसान को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। अब एक काउंटर है वहाँ पे, उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। अब यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से लगा था, तो यहाँ जो पहले नंबर पे लाइन थी उस नंबर को तो मिला ही नहीं कूपन, बहुत कम लोगों को मिले, और जो जल्दी जल्दी आ रहे थे उनको वहाँ बांट दिया गया कूपन। इस कारण काफ़ी अव्यवस्था हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इन काउंटरों को डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग 5-6 काउंटर बना दिए जाए, वो सेवा सहकारी समिति जो है वहाँ पर अगर यहाँ से खाद भेज दिया जाएगा तो पूरे किसान यहाँ इकट्ठे नहीं आएंगे, इस कारण ये व्यवस्था हो रही है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि काउंटरों को अधिक बढ़ाया जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि किसान यहाँ सुबह 6 बजे से और 8:30 बजे से जब लाइन में लगता है तो कभी उसका नंबर आता है और कभी अव्यवस्थाओं के कारण उसकी समय की पूरी बड़ी चढ़ जाता है, वो परेशान रहता है।